हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी नीट एस्पायरेंट के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली हुआ क्या बच्चों, कल रात मेरे पास बहुत सारे अचानक से मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि सर आपने हमारे साथ गलत कर दिया, आपकी जो एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट थी आपने उसको डिलीट कर दी, अब हम उसी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे थे और अब हम अपना रिविजन कैसे करें। तो पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैं उस चैनल पे गया जिस चैनल पे वो प्लेलिस्ट थी, मैंने भी देखा उस चैनल के सभी वीडियोस डिलीट कर दिए गए हैं। तो मैं वो वही क्लैरिफाई करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ बेटा। देखो, एनसीईआरटी रिव्यू मुझे पता है आपके भी दिल के बहुत करीब था, मेरे भी दिल के बहुत करीब था। प्रोबेबली यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में कोई सीरीज चली है तो वो वही चली थी। और मैं अभी भी जिस मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, मुझे बहुत बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, अरे सर मैंने आपके एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज देखी थी, मेरा बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स आ गया बिकॉज ऑफ दैट सीरीज एंड आई एम ए मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। तो मेरे लिए भी बड़ा ओवरवेलमिंग था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। और बहुत बच्चे अभी भी उसको फॉलो कर रहे थे, बट सैडली जब मैंने अनअकैडमी छोड़ी तो भैया देखो, मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी वॉन्ट्रोवर्सी करता नहीं हूँ, मैंने सटली अच्छे टर्म्स पे कंपनी छोड़ी, अच्छे से सब कुछ एग्जिट लिया, सब कुछ लिया और वो चैनल उनके हवाले कर दिया क्योंकि उनका चैनल था, है ना। अब उस चैनल के साथ वो क्या करते हैं बेटा, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, है ना। और मैं उनको गलत भी नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी मर्जी है ना, उसके साथ वो क्या करते हैं, वो मुझे क्यों प्रमोट करेंगे। तो उनको क्या समझ में आया और क्यों उन्होंने डिलीट किया उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दे सकता हूँ। तो बेटा, जैसे हम मैंने उस टाइम पे एनसीईआरटी रिव्यू पढ़ाई थी, वैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर आनंद वनी चैनल है, ये मेरा अपना चैनल है, इस चैनल पे कुछ होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस चैनल पे आपको डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज की पूरी कंप्लीटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप किसी कारणवश उस प्लेलिस्ट को नहीं देख पा रहे तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल नए एनटीए सिलेबस के हिसाब से, जैसे मैंने वहां पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई थी उससे बेटर तरीके से ही यहाँ पे पढ़ाया। तो कुछ नहीं सर्च करना है आपको, आनंद मनी डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू, और ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कुछ और आपको हेल्प चाहिए मुझसे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप में से अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज को फॉलो किया था और आज मेडिकल कॉलेज में, तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना यार, मुझे भी थोड़ा ओवरवेलमिंग लगा था ऑनेस्टली कि यार बहुत मेहनत की थी उस टाइम पे, तो बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो कमेंट करना, हम लोग थोड़ा उस नॉस्टैल्जिया को जी लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, हमारा क्रैश कोर्स कल से लाइव हो रहा है, कल पहली क्लास है आपकी, ठीक है। तो उस क्रैश कोर्स में 45 डेज में हम नीट की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। उसमें बायोलॉजी का पूरा रिविजन करा रहे हैं, फिजिक्स के 100 कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, केमिस्ट्री के 100 कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करा रहे हैं और 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डीपीपीस। ये सब 45 दिन में पॉसिबल है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके जो भी अभी मार्क्स आ रहे हैं 200-250 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। तो कहाँ मिलेगा ये टेस्ट सीरीज बेटा, ये मेरे वेबसाइट और ऐप आनंदमनी.in, ANANDMANI.in, या डॉक्टर आनंद मनी का ऐप एंड्रॉयड पर मिल जाएगा आपको, एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके डिटेल्स दिख रहे हैं आपको, पूरा क्लास शेड्यूल यहाँ पे, लाइव कंटेंट पूरा शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, आप उसका शेड्यूल देख लीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को खरीद दीजिए, आज ये बैच बंद हो जाएगा और नीट का रिविजन मेरे साथ कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी रिव्यू वाले चीज को दिल पे ज्यादा मत लेना, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, तुम भी मत लो, उससे बेटर कॉन्टेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। टीचर तुम्हारा भी जिंदा है ना, मैंने जो 2021 में पढ़ाया उससे बेटर ही पढ़ाऊंगा 2023 2024 में, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। आराम से ये डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अगर आपने एनसीईआरटी रिव्यू से कभी पढ़ा था तो। थैंक यू।